Hello friends, welcome to our You Can Speak Kit. Today we are going to learn about how to frame the questions of stories. हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि फ्रेम कैसे करना है questions को. तो यहाँ पर जो स्टोरी है friends, आप देख सकते हैं स्टोरी है हमारी द टर्टल्स एंड द हेयर. तो आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी ना खरगोश की और यहाँ पे कछुए की. तो स्टोरी क्या थी आपको ध्यान है? ध्यान नहीं तो मैं एक थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देती हूँ ताकि पूरी स्टोरी आपको ध्यान में आ जाएगी. कछुए और जो हमारा खरगोश था उसमें रेस लगती, दोनों पहले अच्छे फ्रेंड होते, रेस लगती है, रेस में कौन जीत जाता है? यहाँ पर खरगोश ना जीत के कछुआ जीत जाता है. तो स्टोरी पूरी ऐसी ही है, तो एकदम इजी स्टोरी. अब आप बोलेंगे मैडम यहाँ पे क्या करने वाले? फ्रेंड्स यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड पर पूरी स्टोरी राइट की हुई है. पूरी स्टोरी को मैं आपको पहले लाइन वाइज लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करके बताने वाली हूँ और उसके बाद में आपको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ. तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है. स्टार्टिंग कैसे करनी, स्टार्टिंग का वर्क आपका ही है, मेरा कुछ भी वर्क नहीं है. आपका वर्क क्या रहेगा, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट निकालिए और जैसा आप स्क्रीनशॉट निकालते हैं हर सेंटेंस को वैसे ही आपकी नोटबुक में लिखिए. आप बिल्कुल भी उसके वोकैब या वर्ड्स या हम बोलते हैं सेंटेंसेस चेंज करने की कोशिश मत कीजिएगा. यदि आपका वर्क हो गया है तो हम आगे का वर्क स्टार्ट करती हूँ जो मेरा है. हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. स्टोरी जैसे मैं लाउडली रीड कर रही हूँ ना, पढ़ रही हूँ, वैसे ही आपको पढ़ना है. मनी मन में मत कुछ भी बोलिए क्योंकि यदि मन में बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, और क्वेश्चन ही जब फ्रेमिंग नहीं आएगी तो हमारी इस वीडियो देखने का क्या फायदा होगा. तो रीड कैसे करना है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉरेस्ट. एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था. There lived a tortoise and a hare. वहाँ पे खरगोश और कछुआ रहता था. They were very good friends. वो बहुत अच्छे friends थे. They decided to run a race. Friend थे तो उन्होंने क्या decide किया कि आज चलो हम race करते हैं. The hare was very proud of his speed. Hare था मतलब जो खरगोश था उसको अपनी speed पे बहुत ही घमंड था. So he ran fast. इसलिए वो जोर से दौड़ा. The tortoise was very slow. टॉर्टोइस कैसा था, खरगोश कैसा था, स्लो स्लो चल रहा था बट स्टडी, लेकिन कंटिन्यूअस चल रहा था. द हेयर लुक्ड बैक. जब हेयर ने पीछे मुड़के देखा, खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा. द टॉर्टोइस वाज फार बिहाइंड. जो कछुआ था वो उसको दूर तक दिखाई दे रहा था, बहुत दूर था कछुआ उससे. सो ही डिसाइडेड टू सिट अंडर अ ट्री. तो उसने मतलब किसने, जो खरगोश ने डिसाइड किया कि मैं किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता हूँ. एंड ही वेंट टू स्लीप. जैसे ही बैठ गया वो, उसको बैठे बैठे थक गया था ना इतना भागते हुए, तो उसको नींद आ गई. द टॉर्टोइस केम नियर हेयर. जो कछुआ था चलते चलते उस खरगोश के पास में आ गया. बट ही डिड नॉट वेक अप द हेयर. लेकिन कछुए ने खरगोश को नहीं जगाया. He went ahead and won the race. वो आगे चला गया, कछुआ जो था वो आगे चला गया क्योंकि वो कंटिन्यूस चलता रहा और एट लास्ट में उसने रेस को जीत लिया. तो पूरी स्टोरी ये है. अब इसके बाद में हमारा वर्क क्या है, आपका वर्क है, अब इसके बाद मेरा वर्क हो गया. आपको ये स्टोरी जोर से पढ़नी है और साथ में रिसाइट भी करनी, लर्न भी कर लेनी है ताकि 10-20 डेज के बाद में आपको ये स्टोरी से भी आप क्वेश्चन आंसर बिना देखे फ्रेम कर सके. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करना है. क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए मैं आपको एक स्पेशल एक्टिविटी देने वाली. यहाँ पर सबसे पहले वर्क क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं. सबसे पहले आप उनको सर्कल कीजिए और उसके बाद में आप मेरे वीडियो को स्टार्ट कीजिए. आपका वर्क हो गया हो तो मैं यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करती हूँ. तो फर्स्ट लाइन है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फॉरेस्ट. आपने सर्कल किया, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही वर्ड को सर्कल किया है कि नहीं. क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, क्वेश्चन क्या बनेगा, वॉज देयर अ फॉरेस्ट. यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम इसको आपको छोड़ देना है. राइट, क्वेश्चन क्या बना दिया आपने, वॉज देयर अ फॉरेस्ट. आपको डबल एज क्वेश्चन कैसे बनाना है, वेयर वॉज अ फॉरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर लिव्ड अ टर्टल एंड अ हेयर. क्वेश्चन बनाइए, यहाँ पर सर्कल कीजिए, डिड को कंसिडर कीजिए, यहाँ पे डिड लिख दीजिए. Did there live a tortoise and a hare? क्या वहां पर tortoise और hare रहते थे? ठीक है ना. अब हमें next question कैसे बनाना है, वे कहां रहते थे? Where did they live? वे कहां रहते थे? Where did they live? Next question देखिए, they were very good friends. यहाँ पे सर्कल कीजिए. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, How were they? अब आप नेक्स्ट लाइन को देखते हैं, They decided to run a race. राइट, इसका क्वेश्चन बनाइए. सर्कल करने का बिल्कुल भी मत भूल जाइए. डिड दे डिसाइड टू रन अ रेस. क्या उन्होंने रेस करने का डिसाइड किया, दौड़ने की जो रेस थी करने का डिसाइड किया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, उन्होंने क्या डिसाइड किया, व्हाट डिड दे डिसाइड.
With whom did they decide? उन्होंने किसके साथ में decide किया? Next देखिए, the hare was very proud of his speed, so he ran fast. कितना बड़ा sentence है, आपको क्या करना है देखिए. The hare was very proud. आपको कहां तक रुकना है? The hare was very proud of his speed. यहां तक आपको रुक जाना है. और यहाँ पे सर्कल करना है, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है. क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो ये होगा कि why was the hare very proud of his speed? उसको खरगोश को अपनी स्पीड पर घमंड क्यों था? नेक्स्ट देखिए, सो ही रेन फास्ट. सर्कल कीजिए, डिड ही रन फास्ट? क्या वह जोर से दौड़ा? आपका हो गया वर्बल क्वेश्चन. डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके? आप क्या कर सकते हैं? वाई डिड ही रन फास्ट? विथ होम डिड ही रन फास्ट? वो किसके साथ जोर से दौड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? वॉज द टॉर्टॉइस वेरी स्लो बट स्टडी? अब इसको वाई से क्वेश्चन बनाइए. वाई वॉज द टॉर्टॉइस वेरी स्लो बट स्टडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेयर लुक्ड बैक. सर्कल कीजिए, क्या क्वेश्चन बनेगा? डिड, यहां से डिड कंसीडर कीजिए. डिड द हेयर लुक बैक? क्या हेयर ने पीछे देखा या क्या खरगोश ने पीछे देखा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई डिड द हेयर लुक बैक? खरगोश ने पीछे क्यों देखा? नेक्स्ट देखिए, द टॉर्टोइज वॉज फार बिहाइंड. सर्कल कीजिए, क्वेश्चन बनाइए. वॉज द टॉर्टोइज फार बिहाइंड? व्हाई वॉज द टॉर्टोइज फार बिहाइंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो ही डिसाइडेड टू सिट अंडर अ ट्री. अब यहां तक ही आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट उससे बनेगा. सो ही डिसाइडेड, यहां पे सर्कल कीजिए, क्वेश्चन बनाइए. डिड ही डिसाइड टू सिट अंडर अ ट्री? क्वेश्चन एक ये बन गया, वर्बल क्वेश्चन बन गया. क्या उसने पेड़ के नीचे बैठने का डिसाइड किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड ही वेंट टू स्लीप? वह सोने को गया. अब यहां पर भी आपको डिड को कंसिडर करना है. डिड ही गो टू स्लीप? क्या वो सोने को गया? इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाई डिड ही गो टू स्लीप? वो सोने को क्यों गया? नेक्स्ट देखिए, द टॉर्टोइस केम नियर हेयर. ओके, आपको केवल यहां तक ही क्वेश्चन फ्रेम करना है, ये आगे का क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. द टॉर्टोइस केम नियर हेयर, यहां पर आप इसको सर्कल कीजिए, यहां से डिड कंसिडर कीजिए. डिड द टॉर्टोइस कम नियर हेयर? क्या टॉर्टोइस हेयर के पास में आया? इसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाई डिड द टॉर्टोइस कम नियर हेयर? जो टॉर्टोइस था वो हेयर के पास में क्यों आया? नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट वेक अप द हेयर. अब यहां पर इसको कैसे बनाएंगे? डिडंट ही वेक अप द हेयर या व्हाई डिडंट ही वेक अप द हेयर? इस तरीके से दोनों क्वेश्चन भी आपके फ्रेम हो जाएंगे. ही वेंट अहेड एंड वन द रेस. ओके, अब यहां पर देखिए, ही वेंट अहेड, सर्कल कीजिए और यहां तक ही क्वेश्चन फ्रेम कीजिए. ही वेंट अहेड, डिड ही गो अहेड, एक क्वेश्चन ये बन गया. क्या वह आगे गया? व्हाई डिड ही गो अहेड? वह आगे क्यों गया? एंड वन द रेस, अब यहां पर इसको सर्कल कीजिए. डिड ही विन द रेस? क्या उसने रेस जीती? उसने रेस क्यों जीती? व्हाई डिड ही विन द रेस? तो यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ, आपको ये सभी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और भी यदि हो सके तो क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करनी है, और उसके बाद में क्वेश्चन पुटअप करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो कांच के सामने आपको इस स्टोरी के क्वेश्चन पुटअप करना है, अपने आप से पूछने. इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हेजिटेशन है वो निकल जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो ये जो मेथड है आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है. तो मैंने आपको बता दिया आपका होमवर्क क्या है, और आई होप आप अपना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करेंगे. एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच.